हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो फ़ोन है तो ओप्पो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन वॉलपेपर है तो होम स्क्रीन वॉलपेपर को आप कैसे सेट कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन वॉलपेपर है तो होम स्क्रीन वॉलपेपर को आप कैसे सेट कर सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है पर्सनलाइजेशन सेटिंग। पर्सनलाइजेशन हमने सर्च कर लिया है, तो यहाँ पर सर्च करते ही हमारी सेटिंग आ जाएगी, यहाँ पर शो हो रही है, तो इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही हमारे पास ये ऑप्शन आएगा वॉल पेपर्स का, इस पर जाएंगे। जो भी आप होम स्क्रीन वॉल पेपर सेट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने वाला सेलेक्ट कर लिया है तो हम इसको अप्लाई कर देंगे अपने होम स्क्रीन पर। अप्लाई करते ही जो हमारा होम स्क्रीन वॉल पेपर है स्क्रीन पर सेट हो जाएगा और इस तरीके से शो करेगा। तो इस तरीके से आप होम स्क्रीन वॉल पेपर को सेट कर सकते हैं। और साथ में जैसे अगर आपको सेटिंग्स नहीं मिलती है सर्चिंग सेटिंग में, तो सिंपल आप फ़ोन की पर्सनलाइजेशन सेटिंग पे जाकर भी होम स्क्रीन वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही एक आइकन ओपन आते हैं, फिर आपको सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स पे जाते ही हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, जहाँ से आपको क्लिक करना है पर्सनलाइजेशन पे। क्लिक करते ही सेटिंग आ जाएगी, जहाँ से आपको वॉलपेपर पे जाना है। और जो भी आप वॉलपेपर होम स्क्रीन पर सेट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई कर देते हैं हम होम स्क्रीन पर, तो अप्लाई करते ही होम स्क्रीन वॉलपेपर इस तरीके से सेट हो जाएगा। आप देखते हैं कि सेट हो चुका है और यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप होम स्क्रीन वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।